जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के आलू के भाव की जानकारी के लिए। आप सभी को बता दें, आज दिनांक 23 सितंबर 2022। अभी फिलहाल में इस समय हम हैं श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोर के अंदर, मतलब दूसरी मंजिल पर। और जो है अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आप लोगों को, मैं बैक कैमरे से पहले इस कोल्ड स्टोर का जो है व्यू दिखाते हैं कि कटाई जो है कितनी रफ्तार से होने लगी है। मतलब जो आलू की निकासी है बहुत ही रफ्तार से हो रही है। जो अनुमान और आंकड़ा लगाया गया था कि हर महीने मुझे लगभग 10 से लेकर 12% आलू की निकासी करनी पड़ेगी, और हमें लगता है कि अगर इसी तरीके से निकासी होती रही तो आलू में आगे चल के कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल सकता है। तो चलिए बैक कैमरे से देख लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के आलू का भाव क्या है। उससे पहले मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आज आलू के दाम में आज फिर भी उछाल देखने को मिला हुआ है। मतलब कहीं कहीं आलू के दाम जो है कल से और भी बढ़े हुए हैं। तो आज आप लोग आलू का दाम पता करके ही आलू की बिक्री करें। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ, जिन किसान भाइयों को इस दाम में आलू बिक्री करना है तो आप लोग कर सकते हो, अब दाम सही हो गया है। चलिए बैक कैमरे से पहले यहाँ का व्यू दिखाते हैं और आपको आज जो है जानकारी देते हैं कि आज के आलू का पोजीशन क्या है। वेस्ट बंगाल, आगरा और कानपुर और बिहार और आपका जो ऊना होशियारपुर में क्या कैसा पोजीशन चल रहा है, इन सारी चीज़ों का डिटेल बाई डिटेल में आपको मैं जो है जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो बाकायदा अच्छी तरीके से आलू की जो निकासी है वो हो रही है। राशन आलू भी निकाला जा रहा है और बुवाई वाला भी आलू निकाला जा रहा है। मतलब आलू का जो बीजा निकाला जाता है वो भी कंटिन्यू निकाला जा रहा है। जैसे कि एक किसान भाई का वो लगा हुआ है, कुछ वो लगे हुए हैं, कुछ वो लगे हुए हैं, कुछ ये लगे हुए हैं और कुछ ये और कुछ ये। उसके बाद आते हम लोग इधर, वो भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, वो भी, और इसमें कुछ बीजा भी काटा गया है। जिस किसान भाई को पता है कि मेरा बीजा कुछ डिस्टर्बिंग में है, सफाई नहीं हुई है बीजा की, तो उन लोगों ने बीजा भी काटा दिया है जिसकी ग्रेडिंग कर दी जाएगी। आप लोग देख पा रहे हो पूरा का पूरा बरामदा जो है कोल्ड स्टोर का भरा हुआ है, मतलब जो है जगह नहीं मिलने पा रही है। अब यही समय आता है आलू के दाम बढ़ने का। दरअसल बात ये होती है कि इस समय आलू बीजा भी निकाला जाता है और राशन आलू भी निकाला जाता है, तो बरामदों में जगह बहुत ही कम मिल पाती है। उसी कारण बस मतलब क्या है कि जैसे कि व्यापारी को दो गाड़ी कटाना है, दो गाड़ी की जगह नहीं मिल पा रही है। बाहर से आर्डर दो गाड़ी का है, बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिल पा रही है। इसीलिए तो है जो आलू जो है कम पहुंच पाता है और आलू का दाम भी बढ़ जाता है। तो इधर भी आप लोग देख पा रहे हो, इधर भी आलू की कटाई चल रही है। अब बात कर ले हम लोग जो है नीचे भी आपको थोड़ा दिखा देते हैं वार एक नज़र में, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कानपुर के आलू के भाव की, आगरा के आलू के भाव की और वेस्ट बंगाल के आलू के भाव की क्या पोजीशन है। वेस्ट बंगाल, आगरा, बिहार और आपका आगरा में और छिबरा मुँह का भी अभी करंट भाव जो है अभी कोई बिक्री नहीं हुआ है। और एक जानकारी आपको मैं बता देता हूँ कि पहले तो ये देखो पूरा का पूरा बरामदा नीचे भी भरा हुआ है, बरामदे में नीचे भी कटाई जारी है, पंखे भी चल रहे हैं, आलू सुखाने का काम जारी है, नीचे भी कंटिन्यू आलू का बीजा लगा हुआ है। और एक मुख्य बात ये है कि जैसे कि क्या होता है आपको बता दें, ये आलू आप लोग देख लो, ठीक है, ये आलू देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा चेचक है। मतलब यहाँ पे जितने आलू डले हुए हैं मतलब ठीक नहीं है। अब यार मैं इस कोल्ड में आया, ठीक है, और इस कोल्ड स्टोर में जौन से आलू बिके होंगे उसी का तो दम मुझे बता देंगे वो लोग, भैया इस रेस्टोरेंट में बिके हुए हैं। तो यार आलू आलू का भाव होता है, मतलब आलू अच्छा होगा तो अच्छे दाम में बिकेगा और ख़राब होगा तो भाई कम दाम में बिकता है। तो अभी आप लोग देख पा रहे बराबर कंटिन्यू का टाइम वगैरह चल रही है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आगरा का और कानपुर, वेस्ट बंगाल, बिहार का पोजीशन क्या है।